घर से पहन के आए माँ दरबार बारी में माँ ही से नहीं तो हमने कहा कोई नहीं हम अपनी पहन के चलेंगे। पर ये बताइए कि ये इतना बड़ा अन्याय महाराज जी कैसे कर रहे हैं, या फिर कितना उनका प्रेम है इस प्रदेश के मुखिया श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, इस प्रदेश के देश के मुखिया नरेंद्र भाई मोदी जी, कितना आभार प्रेम है उनका हमारी काम करने वाली महिलाओं से, हमारी बहनों से, हमारी आंगनबाड़ी वाली बहनों से, कि आपकी हर छोटी छोटी चीज की चिंता अब यह सरकार करना शुरू कर चुकी है। और पिछली बार जिस तरह महाराज जी ने कई अहम आप लोगों के मुद्दों पर काम किया, मुझे लगता है मानदेय भी बढ़ाया था पिछली बार भी कुछ अब एक साथ सब बोलेंगे तो वहां गड़बड़ हो जाएंगे। बढ़ा था लेकिन मिल नहीं रहा है। अच्छा बढ़ा था पर अभी पहुंचा नहीं है। चलो तो बढ़ा है तो पहुंचेगा भी, हमारे घर तो कदापि नहीं आने वाला। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिएगा कि हम में से किसी के घर नहीं जाएगा, वो आएगा तो आप ही के घर आएगा। हम लोग लाख प्रयास भी करेंगे कि हमारे घर आ जाए, तो जैसे सीडीपीओ मैडम एक लाइन में कह देती है नहीं मैडम कैसे हो पाएगा, तो वैसे ही महाराज जी सब जान भी जाएंगे कि आपके हिस्से में हम लोग लेने वाले हैं, तो हम लोग की कटिया खड़ी कर देंगे। तो निश्चित रहिए जैसे मानदेय बढ़ा है पहुंचेगा। आपको पिछली बार महाराज जी ने मोबाइल भिजवाया इसलिए भिजवाया कि भाई आज की महिला है सशक्त महिला है, और अभी जैसे भैया को शिकायत थी विनोद भैया को कि हर चीज में हम आगे हैं, तो हर चीज पे तो हम शुरू से ही जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तो महिला तो तभी से हर चीज में आगे है। यह बात अलग है कि आज तक आपको मैं कुचल के रखने का प्रयास किया पर अब भाई कब तक प्रतिभा किसी से छुपती है, प्रतिभा किसी से नहीं छुप सकती। आज के मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज के इस माहौल का कि जिसमें माता पिता के साथ साथ हमारी सोसाइटी का भी, हमारे समाज का भी, हमारी पढ़ाई लिखाई का भी और हमारी सरकार का भी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज की महिला को, आज की बच्ची को वो कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब हम वो बहने नहीं रहे कि पहले सोचिए जब ये मोबाइल आपके हाथ में नहीं रहता होगा तो कभी को आपके पति के हाथ में या किसी के हाथ में होगा तो आप कहते होंगे कि थोड़ा बताइए ना कैसे फोन लगी, और अब तो ये खटाखट देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है तो सेल्फी लिया जा रहा है तो इंस्टाग्राम पे हैशटैग लगाया जा रहा है। तो ये आज की हम लोगों की जनरेशन है, हम लोगों की बहने बहुत हम लोगों में चेंजेस आया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे भी कहीं ज्यादा चेंजेस हमारे अंदर आएगा। ये कभी मत सोचिए कि आप किस पद पर काम कर रहे हैं, नहीं क्या आपका मानदेय विषय होता है, सभी का होता है।